हस नखरे वाली कुटे गुलाबी पागल करते तू। तो हे गाइस माय नेम इज परनर सेम वेलकम टू माय YouTube चैनल। गाइस अभी जो आपने वीडियो देखी वो सॉन्ग जो है काफी ज्यादा Instagram में ट्रेंड में है। तो अगर आप इस टाइप के लिरिक्स वीडियो एडिटिंग सीख जाते हो दोस्तों बनाना, तो अपलोड करके दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अपने वीडियोस को वायरल करा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये सॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर इस टाइप की आप एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को थोड़ा टाइम देखिए, प्लीज़ एंड तक देखिए, मैं आपको पूरा कम्प्लीटली सिखा दूंगा। तो काफ़ी आसान है इस टाइप का वीडियो को एडिट करना। तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा इनशॉट एप्लीकेशन। आप चाहो तो दूसरे एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे इफेक्ट मिलते हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। गाइस आपको जाना वीडियो वाले ऑप्शन पर, न्यू वाले ऑप्शन पर जाके गाइस आप जो अपना फोटो या फिर वीडियो भी सिलेक्ट कर लेना। तो मैं आपको दिखाने के लिए आप एक फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप जाओ तो सेम प्रोसेस सारी सेम है दोस्तों, आप फोटो या फिर वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कैनवास पर जाके सबसे पहले इसकी मैं रेशियो को टिकटॉक वाले ऑप्शन पर जाकर दोस्तों इसको मैं इसको कर देता हूँ इस टाइप से फुल इनको इस टाइप से, ठीक है। तो आप फोटो चाहो तो सेम प्रोसेस है। एंड अगर फोटो लेते हो तो इसकी लेंथ को जब जितना दोस्तों सबसे पहले इसको मैं 20 सेकंड तक कर, इसकी लेंथ को मैंने जो यहाँ पर 20 सेकंड तक कर दिया है। एंड गाइस इतना करने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर PIP वाले ऑप्शन पर, और फिर गाइस दोस्तों मैं एक फ़ोटो की दोस्तों आपको एक फ़ोटो डाउनलोड लेना पड़ेगा। तो इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों एक वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, इस टाइप से आपको आ जाएगी वेबसाइट। एंड यहाँ पर दोस्तों ये वाली वेबसाइट और इस वाली PNG को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के लिए आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी। मैंने डाउनलोड कर रखी है, इस वेबसाइट की मैं लिंक डायरेक्टली आपको दे दूँगा, ठीक है। तो इस PNG की लिंक दे दूँगा तो आप आसानी से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड फिर गाइस इसको कर देना इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पर एंड वाले एरो पे क्लिक करना है, वीडियो एंड पर क्लिक कर देना, सारी वीडियो पे हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। एंड फिर गाइस दोस्तों हमको ऐड करना है यहाँ पर, और फिर से दोस्तों PIP प्लस पे क्लिक कर लेना। और गाइस एक वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूँगा जो भी आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसको कर लेना इस टाइप से फिल, और फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ब्लेंडिंग का, तो यहाँ पर ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाके आपको क्लिक कर लेना है। स्क्रीन करोगे तो सारा ब्लैक एरिया जहाँ पर हटा जाएगा। एंड गाइस इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन पर। एंड गाइस आपको जाना है यहाँ पर एडजस्ट पर, एडजस्ट पर जाके गाइस आपको जाना है यहाँ पर सैचुरेशन पर, इसका सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पर यू का ऑप्शन है, यहाँ पर यू करके दोस्तों कलर के भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर डन कर, डन करने के बाद गाइस मैं आपका इसका वॉल्यूम बंद कर लेगा, क्योंकि दोस्तों अगर वॉल्यूम रखूँगा तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप डाउनलोड करके सुन सकते, इसके लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉन्ग नहीं बजाऊंगा क्योंकि दोस्तों चैनल पर कॉपीराइट आ जाएगा। इसको कर लूँगा मैं एडजस्ट, तो एडजस्ट करने के लिए गाइस यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ। तो जहाँ पर मैंने ब्लैक एरिया, तो गाइस मैंने ये वाला तो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा अप्लाई हो गया, इसको छोटा सा थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ इस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, अब ये एक और इफेक्ट ऐड करना, तो उसके लिए मैं अपडेट करूँगा डन। एंड अपनी रियल वाली फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा फिल्टर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है गाइस इफेक्ट वाला ऑप्शन। इफेक्ट वाला ऑप्शन के बाद आपको जाना है स्क्रॉल स्क्रॉल, एंड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर है होगा हमारा ये, तो इसका नाम है कैमसेक। तो इस कैमसेक वाले इफेक्ट पर जाके इसकी जो स्पीड को जहाँ पर इतनी कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो इतना हिलेगा, और मैं यहाँ पर मीडियम रखूँगा, ठीक है। तो इतना मैंने रखा है। एंड गाइस डन, डन करने के बाद इसको जो है पूरा एंड तक अपने कर लेना सारे वीडियो में। एंड गाइस यहाँ पर हमारा वीडियो इतना रेडी हो गया है। एंड गाइस आप ऐसा प्ले होगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, मैं PIP जाकर यहाँ पर जो है हमारे ऊपर जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है उसको रिमूव करने के लिए हमको जाना मार्क्स वाले ऑप्शन पर। एंड गाइस ये फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना है और सेकेंड वाले पर, और इसको ऐसे घुमा देना। घुमाने के बाद गाइस ऊपर ये थोड़ा सा आपको ऐसे फेड कर देना इस टाइप से, एंड यहाँ पे कर देना ताकि ऊपर जो बॉर्डर दिख रही थी हल्की हल्की वो हट जाएगी। एंड इस टाइप से हमारी वीडियो यहाँ पर रेडी होगी। एंड आप चाहो तो पीछे वाली फ़ोटो का जो है फिल्टर चेंज कर सकते हो। फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर पर क्लिक करोगे, एंड यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप्स के फिल्टर मिल जाएगा। आप चाहो लगाना तो लगा सकते हो, वरना आप नहीं लगाना चाहो तो लगा नहीं भी लगा सकते हो गाइस, ठीक है। मैं आपको भाई जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फिल्टर आपको मिल जाएंगे। एंड मुझे ब्लैक वाला लगाना है, थोड़ा सा लगा लिया है। एंड यहाँ पर जाके मैं इसकी शार्पनेस को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। शार्पनेस काफ़ी अच्छी लगती है। आप गाइस देख सकते हो हमारी कुछ वीडियो इस टाइप से बनी है। आप चाहो तो वीडियो को भी सेम प्रोसेस होगा, वीडियो को भी अप्लाई कर सकते हो। इसको एडिट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको दिखाया है। तो फिर गाइस वीडियो रेडी होने के बाद आप सेव कर सकते हो, ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर जाके हम सेव, तो आपकी वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी।